लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों के स्टार प्रचारकों के रैली का दौर शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर सारा दारोमदार दिग्गजों और स्टार प्रचारकों के कंधे पर आ गया है। हरियाणा की पावन धरा पर हर दिन बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों का जोर है। अंबाला और सोनीपत की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरकर इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी प्रदेश में पीएम मोदी की 4 रैलियां कराना चाहती है। अंबाला और सोनीपत के बाद 23 मई को प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी की 2 रैलियां होनी है। पीएम मोदी के अलावा प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते नजर आएंगे। 20 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हिसार, करनाल और सिरसा में 3 रैलियां होनी है। इसमें से हिसार और करनाल का कार्यक्रम तय हो चुका है। इसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिरसा की अनाज मंडी में और रोहतक लोकसभा के झज्जर में रैली को संबोधित करेंगे। 20 मई को ही सतपाल महाराज सोनीपत और भिवानी लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। 22 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करनाल के घरौंडा, कैथल के कलायत और भिवानी में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 22 मई को हरियाणा में 3 रैलियां रखी हैं। तीनों ही रैलियां राजपूत बहुल इलाके में है। इस बार भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा, राजपूत समुदाय पार्टी से अलग ना हो जाए इस पर निगाह है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनाव को लेकर कई रैलियों में कांग्रेस की जीत का दम भरेंगे। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने 21 मई को जगाधरी में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की 22 मई को चरखी दादरी समेत और भी कई रैलियां होनी हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कुमारी सैलजा के समर्थन में फतेहाबाद में जनसभा करेंगे। यहां भी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण देखे जा रहे हैं। प्रदेश में चुनावी मैदान सभी सियासी दलों के दिग्गजों से सज चुका है। इस गर्म माहौल में स्टार प्रचारकों की रैलियां प्रदेश में चुनावी तापमान को और बढ़ाने लगी हैं। देखना यह है कि चुनावी रैलियां 25 मई को होने वाले मतदान पर कितना असर डाल पाती हैं। न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, हरियाणा।